दोस्तों, अगर आप भी ईशान किशन को खतरनाक विकेट कीपर बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, घरेलू क्रिकेट में ईशान किशन ने शतक ठोक कर दिया बीसीसीआई को जवाब, टेस्ट टीम में वापसी के लिए भी दे दिए संकेत। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम को आगे आने वाले समय में महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज खेलनी है, जिसके लिए खिलाड़ियों ने भी अपनी जगह पक्की करने के लिए कमर कस ली है। इस दौरान बीसीसीआई के द्वारा ईशान किशन को नज़रअंदाज करने के बाद आखिरकार ईशान किशन ने घरेलू क्रिकेट में शतक ठोकने के साथ इतिहास रच दिया है और बीसीसीआई को करारा जवाब दे दिया है। तो आखिरकार कैसे ईशान किशन ने शतक लगाकर सभी को हैरान कर दिया है, ये तो आपको बताएंगे ही, साथ में उनकी तूफानी पारी का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है ईशान किशन, ऋषभ पंत और केएल राहुल में से कौन है भारत का सबसे खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बीसीसीआई ने पिछले कुछ समय पहले ईशान किशन को घरेलू क्रिकेट को नज़रअंदाज करने के कारण केंद्रीय कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से बाहर कर दिया था, जिसके बाद ईशान किशन किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच में खेलते हुए दिखाई नहीं दिए और उनसे केंद्रीय अनुबंध भी छीन लिया गया। लेकिन अब आखिरकार ईशान किशन ने अपने प्रदर्शन के जरिए सभी को प्रभावित कर बीसीसीआई को तगड़ा जवाब दे दिया है। दरअसल भारतीय टीम हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज खेली थी, ऐसे में अब भारतीय टीम लंबे समय के रेस्ट पर है, जहां पर अब भारतीय टीम को बांग टेस्ट सीरीज खेलनी है जो 19 सितंबर से प्रारंभ होने वाली है। इतना ही नहीं, भारतीय टीम को अब लंबे समय तक टेस्ट सीरीज खेलनी है, जहां पर बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैच खेलने हैं, तो वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 और ऑस्ट्रेलिया में जाकर 5 मैच की टेस्ट सीरीज भी खेलनी है, जिसके लिए भारतीय टीम तैयारी में लग गई है। इस दौरान घरेलू टेस्ट टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी का आयोजन भारत में हो रहा है, जहाँ पर भारत के सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह तो इस टूर्नामेंट से दूर हैं, लेकिन बाकी के खिलाड़ी अपने आप को टेस्ट सीरीज के लिए तैयार करने के कारण टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। इस बीच भारतीय टीम के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन भी अपनी तैयारी में लग चुके हैं, जिन्होंने झारखंड की टीम की तरफ से खेलते हुए बूची बाबू टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन किया और सभी को प्रभावित कर दिया, जहां पर उन्होंने झारखंड की टीम की तरफ से कप्तानी पारी खेलते हुए मध्य प्रदेश की टीम के खिलाफ अपना शतक जड़ दिया, जहाँ पर उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 104 रन का योगदान दिया, जहाँ पर उन्होंने मध्य प्रदेश की टीम के खिलाफ अपनी झारखंड की टीम को मजबूती दिलाने का कार्य किया। इस बीच उन्होंने अपना खाता 1 रन के साथ खोला और 6 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए टीम को संभालने का कार्य किया। इस दौरान ईशान किशन ने सदी हुई पारी खेलते हुए 61 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा और फिर 86 गेंदों पर शतक पूरा कर लिया। इस दौरान उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सभी को बता दिया कि ये खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए कितना ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन कर सकता है। हालांकि इस विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने इस दौरान 39 गेंदों के अंदर 9 छक्के लगाए और ईशान किशन की पारी के दम पर ही झारखंड ने मध्य प्रदेश के खिलाफ मजबूती हासिल कर ली। ऐसे में अब ईशान किशन के शानदार प्रदर्शन को देखकर हर कोई दंग रह गया है और उन्होंने बीसीसीआई को जवाब देते हुए बता दिया कि ये खिलाड़ी भी टेस्ट सीरीज में शामिल होने के लिए तैयार है, जिसके लिए अब इस खिलाड़ी पर बीसीसीआई की पूरी तरह से निगाहें टिकी हुई हैं। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ईशान किशन को खेलने का मौका मिलेगा या नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।